हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जो कि है गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी। सो फाइनली ESIC स्टेनोग्राफर का रिजल्ट है फेज़ टू का, वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कट ऑफ के बारे में और कब आपका एग्ज़ाम हुआ था और कब ये फॉर्म भरे गए थे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और डिटेल में आपको हर एक वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो कब भरे गए थे। जो आपके इसके फॉर्म भरे गए थे वो आपके मार्च और अप्रैल 2019 में ही अभी भरे गए थे, इसी साल ही फॉर्म ये भरे गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, जो आपका एक आपका फेज़ वन है उसका रिजल्ट आ चुका था, पर जो फेज़ टू है आपका उसका पेपर आपका कब हुआ था, वो हुआ था 1 सेप्टेम्बर को, 1 सेप्टेम्बर 2019 को आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, जो फेज़ टू है आपका रिजल्ट आना बाकी था, जो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया अभी फाइनली गवर्नमेंट ने, ठीक है। वो आपको अभी दिखाएंगे कि रिजल्ट कैसा रहा है और कट ऑफ क्या कितनी गई है और कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज़ टू स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट है आपका स्टेनो, जैकि पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, रीज़न लिखा हुआ है कौन से रीज़न से है, रोल नंबर है और जो कैंडिडेट है उसका नाम है, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम कौन सा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो आपका इंग्लिश हिंदी में दोनों में था, तो आपने जो अप्लाई किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो मीडियम ऑफ कंप्यूटर स्किल का था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो इंग्लिश में ही था काफ़ी बच्चों का, ठीक है। हिंदी में भी था ये, आपने जिसने अडॉप्ट जो हिंदी किया था तो हिंदी में आपका टेस्ट होगा। ये पूरी डिटेल है, पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं डिटेल में। आपको जो ये लिस्ट है आपको जो हमारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर भी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने बच्चों के नाम आए वो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें मार्क्स नहीं दिए गए हैं पर जो क्वालिफाई हुए बच्चे उनका नाम इसमें आया है। कट ऑफ के लिए आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 33 पेजों की है लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम चलते हैं एक बार लास्ट लिस्ट पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे 746 बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं स्टेनोग्राफी के पोस्ट के लिए। अब इनका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि आपका स्टेनोग्राफी का और कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पेज है जो कि है गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी नाम से, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी नाम से। इस पे भी जाके आप हमारे जो पेज है उसको लाइक शेयर, ठीक है, ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके और साथ में आपको हर एक न्यूज़ मिल सके, जो भी आपकी कोई भी पोस्ट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपका एडमिट कार्ड आता है उसको जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।